Hello dear children, beta. In the last video I taught you about the preposition, what the prepositions were. Prepositions are the words that shows the relation of one noun with the another noun in a sentence. And it show the position of something, you know, position naam se pata hai ki wo uska place batata hai, where the location of that thing. So in that video I taught you about many preposition words that we use, right? So we will discuss all these words one by one. Today we'll discuss about these main four which I have written at the board right now. See, the first we will discuss about the on preposition. Okay, on preposition kahan kahan use hota beta, how, where you have to use. It is used before the date. Jab hum date likhte hai na, to date ke before hamesha prep, jaise I was born dash, jaise maine likha hai 11 November. अगर मैंने ऐसे लिखा, देखो इसमें पहले डेट की बात आ रही है ना, पहले डेट आ रही है 11, डेट के बारे में बता रहा है, तो ऑन 11th है ना, ऑन आएगा. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी लिख, तो अगर मैं नवंबर लिखूंगी अकेले, तो मंथ या बाद में मंथ है, पहले डेट आई है देखो, फिर मंथ का नेम आया है ना. तो हम किसको फोकस करेंगे, पहले डेट को करेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है जिसका नाम पहले आता है. ठीक है, अगर मंथ का नाम पहले आ जाएगा डेट से, तो फिर उसके हिसाब से प्रेपरेशन बदल जाती है. दैट विल आई गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट प्रेपोजिशन. सी हियर, अगर मंथ्स की बात हो जाती है, अगर मंथ्स आ जाता है यहाँ पर, जैसे इनका, तो अगर मैं आई वॉज बॉर्न इन नवंबर, अगर मैं नवंबर मंथ की बात डायरेक्टली कर देती, तो फिर यहाँ पे आ जाता इन नवंबर मंथ, क्योंकि इट्स अ नेम ऑफ मंथ. मंथ के नेम के आगे हमेशा इन प्रेपोजिशन यूज होती है. फाइन, डेट के लिए ऑन यूज होती है, ये तो हो गई डेट की बात. देन डे के लिए, जैसे आर इंग्लिश टेस्ट, शॉर्ट में लिख रही इंग्लिश का, इंग्लिश टेस्ट will be dash Monday. अब आप देखो बाद में मैंने क्या लिखा है, फिलअप तो है ना, मंडे इस नाउन के बारे में, तो मंडे से पहले ऑन मंडे, इट्स अ नेम ऑफ अ डे है ना. तो डे के नेम के बिफोर भी हमेशा प्रपोजिशन ऑन लगती है, ये आपको ध्यान रखना है. डेट एंड डे, डे और डेट के लिए हम हमेशा ऑन प्रपोजिशन लिखते हैं, और मंथ के लिए हम इन लगाते हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखती, यहाँ पे अगर ऐसे भी लिख देती 11/11/2020, तो देखो पहले डेट का नाम आता है, फिर मंथ का, देन तो फिर हमें डेट को देखना है, तो फिर ऑन आएगा. ओके, इट मस्ट बी क्लियर, आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर. अब आता है टॉप ऑफ एनीथिंग, जब कोई चीज कहीं पे रखी होती है. ठीक है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे सरफेस है, देखो सी दिस इज द चॉक, एंड दिस चॉक इज टोटली टच विद द बोर्ड है ना, मैं उसकी सर्फेस को टच करके लिख रही हूँ. तो जब आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आप ऑन द बोर्ड लिख सकते हैं, ऑन द टेबल, जब टेबल मींस जस्ट लाइक दिस इज योर टेबल, राइट बेटा, सी दिस इज द टेबल, राइट, ये टेबल है, और टेबल के अगर यहाँ पे मैंने ऊपर एक बॉल रखी है, सी ये सरफेस है बॉल का, और ये ही टेबल का, दोनों की बॉडी आपस में टच है, राइट, देयर इज नो गैप, यहाँ बीच में कोई गैप नहीं है, बिकॉज द बॉडी ऑफ द बॉल इज टच विद द बॉडी ऑफ द टेबल, राइट. तो यहाँ पे लिखेंगे पोजिशन, बॉल की पोजिशन, द बॉल इज ऑन द टेबल. तो पहले मैं जिसकी पोजिशन बता रही हूँ उसका नाम पहले, द बॉल इज डैश द टेबल है ना, वो उसके टॉप पे, टॉप ऑफ एनीथिंग, टॉप मीन सरफेस, जब कोई टच होता है किसी भी थिंग के, तो वहां पे आपका, तो ये ऑन द टेबल होगा. इन तो हो नहीं सकता, घुस तो ना रही टेबल के, वो उसके ऊपर रखी, मीन बोथ देयर बॉडीज जो उनकी है वो आपस में टच है, देयर इज नो गैप, उनके बीच में ऐसा तो नहीं है ना कि ये आपकी मान लो टेबल और बॉल हवा में झूल रही, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, जो बॉडी से उस फर्स्ट थिंग की बॉडी दूसरी बॉडी से बिल्कुल टच हो सरफेस, तो ऑन कहलाता है. आई थिंक ऑन का आपको इतना ध्यान रखना है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट प्रेपोजिशन, दैट इज एट. वेयर टू यूज एट, ध्यान से देखेंगे सभी बेटा, एट का मतलब भी पर होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑन और एट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है एट कहाँ यूज होता है. एट सी डोर, कहते हैं समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, नॉक एट द डोर, डोर जब भी यूज होगा वर्ड है ना, डोर, डोर के ऊपर कभी भी आपने देखा ऑन द डोर, बल्कि समवन इज स्टैंडिंग ऑन द डोर नहीं बोलते, कोई दरवाजे के ऊपर थोड़ा खड़ा है, क्योंकि ऑन को हम टच करते हैं, मान लो दिस इज द डोर, ओके, कोई यहाँ पे पर्सन खड़ा है ना, उसके पास खड़ा है ना, बिल्कुल उसके ऊपर चढ़ के थोड़ा खड़ा है, राइट, उसकी बॉडी उस पर टच थोड़ना है, मीन्स वो कम एंड फ्रो हो रहा है, आगे पीछे जा रहा था. आप ध्यान रखना एट द डोर लिखेंगे, एट डोर, ऑन द डोर कभी नहीं होता, दिस इज रॉन्ग, ये ध्यान रखना है. डोर का अगर पीछे आता है आपको ध्यान रखना है, तो वहाँ प्रपोजिशन एट आएगी, एट द डोर, जब कोई नॉक करें, चाहे हम कोई खड़ा हो डोर पे, तो उसके लिए डोर के आगे हमेशा एट प्रपोजिशन यूज होगा, इस चीज का ध्यान रखना है. देन टाइम के लिए, देखो आपका पीरियड ऑफ टाइम में अगर नाइट होता है, रात की बात होती है, तो रात के लिए जैसे द स्टार्स
ट्विंकल द स्टार ट्विंकल डैश नाइट. इन नाइट तो नहीं होता बेटा, नाइट के लिए हमेशा एट लगता है, एट नाइट रात में. द मून शाइन्स एट नाइट, ठीक है ना, नाइट के साथ हमेशा एट आएगा, ये सबको ध्यान रखना है. देन आता है आपका पीरियड ऑफ टाइम गैप, जो आपका सुबह दोपहर की जो 12 बजते हैं, मिड जो आपका होता है दोपहर के और रात के 12, उनके लिए हमेशा एट लगता है. जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट 12 बजते हैं दोपहर के, तो उसको हम कहते हैं नून. आफ्टरनून नहीं कहते, नून कहते हैं. नून मीन्स दोपहर का एग्जैक्ट जो मिडल ऑफ टाइम होता है उसका, मिड टाइम, ठीक है ना. नून उसको आफ्टरनून मीन्स उसके बाद. अगर 12:01 भी हो जाती है, सेकेंड्स भी हो जाती है, तो फिर वो आफ्टरनून में आ जाएगा, ठीक है. हल्का सा चेंज है उसके बाद वाला टाइम, बट एग्जैक्टली 12 बजे हैं तो वो दोपहर के, तो वो आपके एट आएगा, एट नून. गुड नून बोलते हैं हमेशा, आपने सुना होगा, एट नून, ठीक है ना. और एक चीज़ याद रखनी है, मिड नाइट, जो अगर रात के 12 बजते हैं उसको हम, बिल्कुल रात के जो 12 होते हैं उसको हम कहते हैं मिड नाइट. क्या कहते हैं? मिड नाइट, आधी रात में, बिल्कुल रात के बीच, तो उसके लिए भी एट मिड नाइट आएगा. इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. मीन्स अगर नाइट, नून जो दोपहर के 12, मिड नाइट रात के 12 जो होते हैं, उनके आगे हमेशा ऐट आता है, या कोई भी टाइम होता है जो आप बताते हो, 9:00, 2:00, 3:00, उस हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? ऐट यूज़ करते हैं. जैसे मैंने बोला है द स्कूल ओपन्स डैश 7 AM. AM मीन्स इन द मॉर्निंग, एंटी मेरिडियन बोलते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना. द स्कूल ओपन्स डैश AM, तो आप देखिए पीछे AM टाइम दिया हुआ है, तो एट ए, ठीक है. अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूंगी ना 7:00, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, देन 7:00, ठीक है. ऐसे टाइम के लिए हम आपको हमेशा एट यूज करना है टाइम के लिए, ओके. टाइम में मैंने एक पीरियड ऑफ टाइम भी बताया जिसमें नाइट, नून और मिड नाइट को हम एट के साथ यूज करते हैं. देन बेटा एक कुछ आपके स्टॉप्स होते हैं जो स्मॉल प्लेसेस होते हैं, बहुत छोटे, मीन्स वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट इट, नॉट ऑल ऑफ द वर्ल्ड. जस्ट लाइक सी, मैं डिफ्रेंशिएट बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और देखेंगे भी. आई वॉज वेटिंग, जैसे मैंने लिखा आई वॉज वेटिंग फॉर द स्कूल बस डैश बस स्टॉप. बस स्टॉप आपका एग्जैक्ट एक स्मॉल प्लेस भी और जगह, तो वहां पे एट बस ऑन नहीं होता है, ऑन इज रॉन्ग, ऑन बस स्टॉप नहीं होता है, एट बस स्टॉप होता है, राइट. क्योंकि एक एग्जैक्टली कोई जगह नहीं होती, थोड़ी बहुत हटके, तो कोई ऐसा नहीं कि वो पूरी एरिया को आपको घेर के एक जगह पर खड़े हो, बस स्टॉप तो वो आपको एग्जैक्ट आसपास की उसके नियर की भी हो सकती है. तो एट बस स्टॉप, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट एट आता है, रेलवे स्टेशन के साथ में एट आता है. एट बस स्टॉप, एट द रेलवे स्टेशन, ऑन नहीं होता है, ऑन एयरपोर्ट नहीं होता है, एट द एयरपोर्ट. और वेरी स्मॉल प्लेसेज, अब यहाँ स्मॉल प्लेसेज में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बेटा? जस्ट लाइक मैं यही लिख रही हूँ, मैंने एक चीज लिखी है, आपने सुना है कभी, हम सेंटेंस लिखते हैं आई लिव डैश रिवारी, राइट. मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी दिस इज द फर्स्ट प्लेस, पहली बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे एट इज ऑल्सो करेक्ट, इन इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन प्लेस हियर. यहाँ पे हम एक ही प्लेस की बात कर रहे हैं, बट अगर हम एक ही सेंटेंस में बहुत सारे प्लेसेस की बात कर देते हैं, जैसे मैंने लिखा आई लिव डैश, इसको छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, मैं इसी में चेंज कर रही हूँ, आई लिव डैश रेवाड़ी डैश हरियाणा, राइट. आप सी हाउ मेनी प्लेसेस आई हैव टॉक्ड अबाउट हियर, फर्स्ट प्लेस एंड दिस इज सेकेंड प्लेस, टू सी विच वन इज बिग प्लेस कंपेरेटिवली. तो ही हरियाणा इज द नेम ऑफ स्टेट, ये रेवाड़ी से बड़ा है. जब दो हम किसी भी दो प्लेसेस की एक बार में बात करते हैं, तो जो फर्स्ट वाला है हम उसको फिर स्मॉल वाला मानेंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि हरियाणा इज अ बिग स्टेट और उसमें एक छोटा सा आप उसका समझ लो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है ना, तो वो उसका लिस्ट स्मॉल. जब हम दो की बात करें तो यहाँ पे एट भी ठीक है और इन भी ठीक है, बट दो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर एग्जैक्टली एट आना चाहिए और नेक्स्ट वाले में इन आना चाहिए, जो उसका बिग प्लेस है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है. अगर मैं इसी में और लिखते आई लिव एट रेवाड़ी इन हरियाणा डैश इंडिया, अब आप यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हमने 3 places की बात की है. मैं जस्ट आई वॉन्ट टू मेक यू क्लियर, एट और इनका कुछ चीजें साथ साथ चलती है, आपको ध्यान रखना है. तो बेटा अगर मान लो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, सी हरियाणा इज बिगर देन रेवाड़ी एंड इंडिया इज बिगर देन हरियाणा, बिकॉज इंडिया में ही हरियाणा पड़ता है और हरियाणा का ही पार्ट रेवाड़ी है, तो ये सबसे स्मॉल हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट, ये इससे स्मॉलर
ठीक है ना, ये इसका बेक है। तो आप देखिए इंडिया का ही पार्ट हरियाणा है, हरियाणा के अंदर रेवाड़ी, तो सबसे छोटा यही कहलाएगा, उससे बड़ा उससे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ दोनों जो बात होगी तो फिर दोनों में इन आएगा और इस वाले में ऐट आएगा, बात तब भी वही आनी है। अगर दो के बीच की कंपेरिजन होगी तो भी स्मॉल में मान के हम ऐड करेंगे, बट अगर इंडिविजुअली बात करें, अगर मैं रेवाड़ी पे एंड कर लेती हूँ वन प्लेस की, तो एट इज ऑल्सो करेक्ट, अगर बहुत ज्यादा स्मॉल प्लेस है, नहीं तो एन भी करेक्ट है। पर मैं अगर डायरेक्टली लिखती हूँ, जैसे मैं लिखती हूँ रोहन lives dash Delhi. अब सी Delhi इज अ बिग प्लेस, वेरी बिग प्लेस, राइट, इट्स अ नेम ऑफ अ वेरी मेट्रोपोलिटन सिटी, एंड सो विल राइट हियर इन। बेशक वो इंडिविजुअली है तो यहाँ पे एट नहीं लगाएंगे कभी भी, क्योंकि बहुत बड़ी है ये सिटी, ठीक है बेटा। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर, एट और इन में थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है, वहाँ ध्यान रखेंगे। तो मीन्स एट इज क्लियर, नाइट के साथ नून, मिड नाइट अगर लिखा हो, कोई भी टाइम पीरियड ऐसे लिखा हो, 2 o'clock है ना, मैंने बताया 7 AM, जैसे या बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन नेम आता है, एयरपोर्ट, या वेरी स्मॉल प्लेसेस मैंने आपको बताई दी है थ्रू सम एग्जांपल्स, बाय गिविंग सम एग्जांपल। आई थिंक नाउ वी विल मूव टू इन प्रपोजिशन, राइट, इन सम वेयर आई हैव आल्सो क्लियर दिस इन टू, ये मैंने आपको क्लियर, स्टिल विल सी वन मोर टाइम ऑफ द सेम प्रपोजिशन, दैट इज इन। इन होता है मे, जब आपका वन डे, एक डे होता है डे टाइम ना, राइट, तो आप देखिए डे के हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं, मॉर्निंग है ना, थ्री पार्ट होते हैं इनके, थ्री डेज के पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, देन आफ्टरनून, नून नहीं, अनून तो एग्जैक्ट 12, उसके बाद आफ्टरनून एंड इवनिंग, ठीक है। जब इनकी बात आती है, ये डे के ही ड्यूरेशन ऑफ डे के, उसके एक डे को हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं टाइम के हिसाब से, अगर बताते हैं ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, ठीक है। अगर इवनिंग, इनके आगे हमेशा इन आएगा, जो आपने सुना होगा आई वेक अप, सॉरी वेक अप ऑली डे, आप देखिए खुद अपने आप बोल के आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, आई वेक अप अर्ली डैश द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, राइट, जैसे मैंने माय फादर likes to enjoy a cup of tea, ठीक है बेटा, एट वाला मिटा देती हूँ मैं, a cup of tea, मैंने अलग से एक और example लिखा है, a cup of tea dash the evening, तो यहाँ आएगा in the evening। मेरे पापा को हर शाम को एक कप ऑफ टी पीना बहुत पसंद है, ये थोड़ा लॉन्ग लग रहा है पर नहीं है, ठीक है ना, तो इन द इवनिंग मीन द पार्ट ऑफ द डे होता है, उनके आगे हमेशा इन प्रेपोजिशन लगेगा, राइट। अगली बात आती है बेटा, ये मैंने आपको लिख दिया, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट द, इन द आफ्टरनून, राइट। बिग प्लेसेस का मैं एज आई एल क्लियर विद यू, एट और इन के बाद मैं आपको बता, बिग प्लेसेस के लिए और डायरेक्शन के नेम के, जैसे मैंने लिखा है द सन, जितने भी हाउ मेनी डायरेक्शन आर देयर, देयर आर 4 डायरेक्शन, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ एंड द साउथ, राइट। तो आप बोलते हो द सन राइजेस डैश द ईस्ट, तो ईस्ट पढ़ते ही पता चल जाएगा, ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन नेम, राइट। डायरेक्शन के साथ में हमेशा बेटा आप क्या आता है, इन, in the east, in the west, in the south, in the north, ठीक है ना, just like the Bay of Bengal lies in the south, right, that it might be clear. Now we will move here, month's name, के आगे मैंने आपको बताया ही था, on के साथ में day, day और date के साथ में on आता है, months और year के name के आगे हाँ आता है, जैसे मैं अभी इसी का भी example देती हूँ, जब name of the month आएगा बेटा, ठीक है, मंथ और नेम का, इसका भी बेटा मैं क्लियर कर देती हूँ। मंथ्स के लिए देखिए यहाँ पे, जैसे बताया था मैंने द स्नोफॉल, इट स्नोफॉल्स, हाँ इट स्नोफॉल इन
जनवरी है ना, इन जनवरी स्नोफॉल मोस्टली इन कश्मीर। अब कश्मीर में मैंने लिख दिया है, देखो यहाँ पे भी मैंने बिग प्लेस हो गया, कश्मीर तो इन लगाया है ना बिग प्लेसेस के लिए, पता चला है। देन नेम ऑफ द मंथ्स के अगले, ठीक है। देन ईयर कैसे बताएंगे बेटा, जैसे जैसे COVID-19 है ना, COVID-19 ना हो, जो आपका अभी सबसे पेंडेमिक आपका ये चल रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस जिसको आप बोल रहे हो, COVID-19 इज द मोस्ट डेंजरस डिजीज, मतलब अनडायग्नोस्ड है ये टिल डेट। आपको पता है 83, अगर एक कोई भी लिख रहे हो आप, लिखते हो कोई बच्चा 2001 में हो रहा है, कोई 2005 में, तो इस तरीके इन द ईयर ऑफ, तो ये पता चला इज द नेम ऑफ अ ईयर, ठीक है। तो ईयर के लिए आपके लगेगा हमेशा बेटा इन, ठीक है। Now come to buy and with,